सबसे पहले एक क्लेरिफिकेशन है इम्पॉर्टेंट कि लगभग सभी चैनल्स में ये समाचार आज आया है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि कुछ इलाकों में अभी लॉकडाउन लागू रहेगा। तो मुझे ये स्पष्ट करना है कि ये सही तथ्य नहीं है, और लॉकडाउन केवल वहीं लागू रहेगा, ये भारत सरकार की गाइडलाइन है और ये कोई नई बात नहीं कही गई है। ये पुराना जो आदेश था वही है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर लॉकडाउन लागू रहेगा, इसलिए इसको मुझे लग रहा है कि तो सही से अप्रिशिएट नहीं कर पाया गया है। जो भारत सरकार की गाइडलाइन निकली थी अनलॉक वन जिसको कहते हैं, वही चीज़ हम लोगों ने एज इट इज स्टेट गवर्नमेंट में अडॉप्ट की है और वही चीज़ लागू रहेगी, इसके अलावा कोई नई चीज़ नहीं की जा रही है। ये केवल स्पष्ट किया गया था कि जो कंटेनमेंट जोन है, और ये उसी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश में है कि कंटेनमेंट जोन में को छोड़कर बाकी जगह क्या एक्टिविटीज़ होंगी वो अलाउ की जा रही हैं, और कंटेनमेंट जोन में जो लॉकडाउन है, जो प्रतिबंध हैं, वो लागू रहेंगे। और ये कंटेनमेंट जोन का डिसीज़न अब संबंधित जिलाधिकारी कर रहे हैं, और डिपेंड करता है कि वो कितना एरिया है, बहुत कम भी हो सकता है, एक छोटा सा घर भी हो सकता है, अपार्टमेंट भी हो सकता है, छोटा कोई डिसाइड किया हुआ एरिया भी हो सकता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये मुझे कहना है। ये वही डिसीज़न है जो पहले ऑलरेडी भारत सरकार द्वारा कम्युनिकेट किया जा चुका है, पर इसको जो समाचारों में आ रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जहां पर अभी भी कोरोना वायरस का असर है वहां लॉकडाउन लागू रहेगा, तो उसको थोड़ा क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि ये कोई नई बात नहीं कही गई है, ये वही बात थी कि जहां जहां कंटेनमेंट जोन है, जहां जहां कोरोना वायरस के केस आते हैं, वहां जिलाधिकारी ये निर्णय करते हैं कि कितना एरिया कंटेनमेंट जोन होगा, और उस कंटेनमेंट में लॉकडाउन लागू रहता है और बाकी सभी जगह जो भी गाइडलाइंस है उसके अनुसार काम होता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अब स्पष्ट हो गई होगी, और हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि इस थोड़ा ये जो एक कन्फ्यूज़न हुआ है इसको दूर कर दिया जाए और स्पष्ट रूप से ये कह दिया जाए कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसी के अनुसार, उसी को राज्य सरकार ने एज इट इज़ अडॉप्ट किया है और वही लागू है, कोई नई चीज़ नहीं की जा रही है। और ये उसी दिन जो का जो आदेश आया है, जो राज्य सरकार ने भी रीट्रेट किया है, ये उसी के बारे में था, कंटेनमेंट जोन के बारे में। तो मेरे ख्याल से अब स्थिति स्पष्ट हो गई होगी, और आप लोग इसको कृपया ज़रूर एक बार क्लेरिफाई कर देंगे अपने अपने चैनल्स पर। दूसरा, जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हैं अभी आज की तिथि में, अब उनकी संख्या आज 3,249 है, और इनमें अभी 67,978 इतने लोग इनमें आवासित हैं। अभी कुल जो लोग हमारे ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स में रहे उनकी संख्या है 15,24,101, और जो लोग अभी तक वहां से रिलीव होके अपने अपने घर को जा चुके हैं उनकी संख्या है 14,56,123। दो और फिगर्स मैं अपडेट कर देता हूँ। एक तो कृषि विभाग द्वारा जो फरवरी, मार्च और अप्रैल में फसल क्षति हुई थी असमय वर्षापात और ओलावृष्टि से, और उसके लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जा रहा है, तो वो अभी तक 15,25,000 किसानों को दे दिया गया है, और कुल राशि जो अभी तक वितरित हो चुकी है वो है 492 करोड़, और टोटल आप पता ही है कि तीनों ट्रेंच मिला के 730 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए गए हैं। और जो रोजगार सृजन का कार्य है वो भी पूरी तेज़ी से चल रहा है, और 4,52,000 से अधिक स्कीम्स में अब तक 5,97,00,000 से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। इसके अलावा अन्य जो आपका रेगुलर डेटा हम लोग आपको शेयर करते हैं वो हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ को क्लेरिफाई कर दिया जाए कि कोई नई गाइडलाइन लॉकडाउन को लेकर या कोई नया निर्णय नहीं हुआ है, ये वही निर्णय है जो भारत सरकार ने आदेश जारी किया है और उसको राज्य सरकार ने एज इट इज़ अडॉप्ट किया है, कोई नई बात इसमें नहीं।